हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये एक बुगलू का मेल पपी है और सारे 20 नेल्स के थे, लेकिन इसमें बाय चांस ये 22 नेल्स का पपी है। देखो, ये 22 नेल्स का पपी है और इतना प्यारा है इसका नोजल। मुझे इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका नोजल मुझे सबसे अच्छा लगा। ये देखो इसका साइड से, इसका मुस्टैच भी और लाइन सब कुछ इसका बहुत अच्छा है। सॉक्स देखो, वाइट सॉक्स इसकी बड़ी सुंदर लग रही है मुझे। कई बोलते हैं वाइट नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे सोचते हैं भी वाइट कुछ मिक्स होगा, लेकिन इसको सॉक्स बोलते हैं। और वाइट गद्दी ब्रीड में जो भी गद्दी कुत्ता होगा मोस्टली 99% ये कहीं ना कहीं वाइट होगा। जेट ब्लैक में भी छाती पे वाइट होता है। इस पे काफ़ी इशू है, लेकिन जो हमने देखा है 15 साल का एक्सपीरियंस बोलता है वही मैं बोल रहा हूँ। और ये देखो, ये प्योरेस्ट गद्दी है हिमाचल का। अब भोटिया सुना है, 2-4 साल से भोटिया नस्ल होता है, लेकिन हम तो गद्दी बोलते हैं सदियों से। गद्दी कोई आदमी का नहीं बोलते, ये एक्चुअली गद्दी शेफर्ड लोग जो होते हैं वो जो कुत्ते पालते हैं उनको बोलते हैं। और गद्दी एक्चुअली हम शेफर्ड लोग जो होते हैं वही लोग होते हैं। ये है ये देखो दोस्तों, ये जैसे अपना पैट्स अप, इसमें मल्टी विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, DHA, इसका ड्रॉप्स इसके खाने में एक एक बूंद डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जैसे हम पपी ले आते हैं तो उसका एक्स्ट्रा केयर भी करना पड़ता है। इसके साथ हम इसको सेरेलैक दे सकते हैं, जैसे बच्चे का सेरेलैक आता है, डॉग्स का आता है सेमोलैक। देखो ये सेमोलैक है, इसमें पाउडर है, इसको पानी में मिला के अभी हमने इसमें मिलाया है आधा गिलास से ज़्यादा। अभी 1 महीने के पपी को एक टाइम में नहीं देना चाहिए क्योंकि क्वान्टिटी का भी होना जरूरी है। समय लग को मिला दो, उसमें एक ड्रॉप ये डाल दो तो बेस्ट इसका मील हो जाता है। और 5-10 डेज ये मील लेगा, उसके बाद बच्चा काफ़ी बड़ा भी होता है।